हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूक्लियर एक्टिव 2020 यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राज पासवान और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं वो एक फेस्टिवल है, आई थिंक असम का है और थोड़ा मिसिंग है, मतलब शायद अब ये उतना ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं होता है। चलिए देखते हैं क्या है फेस्टिवल। और पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपनी बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचती रहे। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को, उसके बाद देखते हैं क्या है फेस्टिवल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सिंग लगा मम अपंग हम गो मसिंग और रंजु मिले गो असिना हम सगलिक दो सिलोक आले आइ लगा लगा सपंग अगर पंक प यमन समन दुला यम ना और कंगलु का फला दोलु सक आले आइ लगा हम दलम तंकत पमना गो सिलो मिसिंग और रंजु मिले गो कंगलु अफला दोलु सक मुलुक मुरंग लक्ता स गुकुम सुना रंगा अपंग हम गो तंकत पमना मुलु मदु आली मुलुक का सिलो अफला दोलु सक आले आइ लगा सम अपंग काबिते का कप कप मदु अपंग कातो कम ना मुलु पाल telen gelo o komad maduna hello ali ali kya dal rahe hain अरे ये तो मटकोर जैसा कुछ है। हमारे वहाँ में शादियों पे ऐसा ही रिचुअल है, हम उसे मटकोर बोलते हैं। अरे ये भी होता है हमारे वहाँ, थोड़ा अलग वे में होता है पर ऐसा ही होता है झारखंड में। मुलुक का मिसिंग लगा हम अपुन हम ये हमारे होस्ट दोनों सबका अलिया लगा सो असने को सगुन तो अपुन हम अपना दोतो का मुलुक का सिलो का अलिया लगा है मुलुक के इस आरंभ हो नियम नीति हम दुबो और का कांग के तो का मुलुक का अपना दोनों सब अलिया लगा है कपिल रक्षण दोनों अपुन हम तंकन या दोनों काल दोतो का ऐसे खेती बाड़ी के रिलेटेड कुछ सिंचे बोलो खाली आले गा तो बोलो अफला बुआरी गुदा बोलो आसी तो बोलो बोलो और का काबू मासु न आसी ल बुआरी लो तो माने आई तो या मी मुंबर कोका लो को मे पो उर को कर को सिलो सो आरो सिलो लो से मुल पुरा रा दु आकुरा आला आकुरा हमदा न गुलो ओक पागरो प और हमदा गा ना आगो ना सिलो लो मा सदु लाए न मे पो खाली बोले मुलुक का मुलुक का आना रुई रुई रख आना किनारा था करन तिला बोल आसे तो कल गदों रुई रख पर ओके और नितों को जंगे तो का जैसा तो अरे और नितों को मपांग रुई ना आले लिगा और नितों को मपांग लोग गीत वो अंकल जी सभी औरतों के बीच में अकेले ही हैं। अलग करा हाँ अगर किसी को पता है ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
अभी तक इतना समझ में आया कि शायद कुछ एग्रीकल्चर के रिलेटेड प्रोफेशनल है। उनका आना रोई दो आसु तो कलो गुदा उनका हे हे या हे गाँव कितना खूबसूरत है, खुला खुला एरिया। स्टेप्स ना हमारे वहाँ पे जो जो रिचुअल्स में जो वो डांस होता है ना वहाँ पर भी होता है। देखा है कि पूरे ईस्ट में चाहे वो नॉर्थ ईस्ट या पूरा ईस्ट कुछ मतलब उसमें कुछ लाइट तो है। क्या लग रही है साड़ी पहन रही है बड़ा हैपनिंग से फेस्टिवल है यार, मजा आता होगा। Sam
মই মোৰ ছাত্ৰ কনক নেওক মোৰ লগত আহিছে তেখেতক কৈছোঁ এই বসন্ত উৎসৱ কওঁ আমি বিহু বসন্ত উৎসৱ আৰম্ভ কৰোঁ মই মোৰ দৃষ্টিত মই ভাবোঁ যে আলি আই লিগাং হৈ প্ৰথম বসন্ত উৎসৱ আলি আই লিগাঙে হ'ল প্ৰথম বসন্ত উৎসৱ আলি আই লিগাং কাপা কাকান পা লুদ কেটা পা দেনা আপুং দানিয়া কাকান পা লেন্দু সি তা দলু সাজি আদম পা পুকো যাব দে আপন আদেলো সিন নো গেলাম দম আকন আকন গাই সুলা দুলা তো আফলা গাও রো ইয়াম্পু পসিন আইনা আগের কো গেটে কামনা কুমপাডু সিলোকে সে তোয়ম নাম কবাস নম মলো টাকা আগে টারুং কুরিডো সিন একটাং গেলা যাতে গলু দলুং কিসা পে আগ বাড়িলা আমনা আপুঙ মকলকে কুমপাং সুগেল আলি আই লেগান সে ম পায়ম ম পোদান গলু গাসিন সে গলু গাসিন সে গলু গাসিন সে গলু গাসিন সে লঙ্গর हमारे वहाँ पर स्पेशल जोन के बाद अंदर खिलाया उन्होंने अरे ये कपल है थोड़ा क्यूट कपल है मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये कपल है इधर क्या चल रहा है दाल ब्रेड है बोलो आइए कंकन और सोता डालूं बुआरी के लिए दरुब बोलो चीन तापा तपरन तपमान अरे सागलिक भी तारे सागलिक भी ता अरे कैसे नंगलान के लिए से तापा यार लंगरों को तो खाना होता है ना देखो लंगरों की ना दम आलू की सब्जी और पूरी बड़ी सही लगती है यार कब बनाने का तरीका ही कुछ अलग होता है अरे ये स्टेप हमारे वहां पर भी होता है शादियों पे कितनी उड़ा ये हेलो जैकेट वाले মঙ্গসুনাম বরা জগমান দিদি ডক লগুপ হলো আয়ং আপন বিডো আপনা দলুসক টাকাম বরা আর অপ আর পঙ্গ দলুসক আজজন কোন কিছু সেদিক তারপর তার গরম দাড়ি সাপ পঙ্গ সময় পঙ্গ লোক আলে আলে গাস আপন আঙ্গুল মিসি মেগা মা উর পঙ্গ পা ইমান চমানা দুব লাগিরা বারিক দুব লাগিরা বারিক ডক আয়ং আপন বিডো রিঙ্কু ইয়ে ডক লগুপ হলো আয়ং আপন বিডো শিলকু অফলা দলুচক আলি আই লিগাং চুপা স্বগলপ আদাই দিব আৰু বানে কবাঙে লুটাগাই যে কালচাৰ নাই দুৰ্বী মদম ইপ লাগিব হমনা চদমি পিল্লা দুৰ্বী মই হিমা দুৰ্বী ইমদলো আগের তাৰ চিন লাতমা মোলো অপচিন মানে এটা আগের তারুণ নাতমা আর সিম মোলো শিলক লঙচক আগের তারুণ কুসা পাপা মোলো শিলক লঙচক দিগত আগের তারুণ মসুত আর সগল অপাব কাপু দুপুন গ্রান সগন কব শিলল পরকমকে পরীক্ষা বিনে সিন দু অপুগাম কালা সুপা মুলুক আলে লিগান সগল বারে কা আর কাপু লপ লকদা মুলু অফলা দলু সককে আলে লিগান আসিনে গাম সগল দু মুলুকে নিয়ম দেখি হলো গাঁওবুড়া অপেল হলো সময় নির্মাণ কটাক এটা মই এবং শিলকে আলি আলিগঞ্জ সমল ইমান সমান আদায় করবো সাই চলো
silo se gaum ro raja sambu pa luk etiare luk niyam no purva di niti ka sambu pa silo bolu 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 ओके सो ये थी वीडियो। फेस्टिवल काफ़ी अच्छा था और इस फेस्टिवल के काफ़ी सारी चीज़ें हमारे वहाँ के फेस्टिवल से थोड़ा मैच करती हैं। वो तो मैंने अभी जैसे वीडियो में कहा कि जो पूरा ईस्ट का रीज़न है उनमें हर स्टेट के जो फेस्टिवल्स हैं कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है। इवन जो ट्रेडिशनल डांसेस हैं उनके स्टेप्स में भी काफ़ी ज़्यादा वो सिमिलरिटी है। वो जैसे कि वो स्टेप था जो ऐसे पीछे करके कर रहे थे वो हमारे वहाँ पर भी होता है, हम उसको झूमर बोलते हैं, ठीक है। और ये झूमर वर्ड आपने काफ़ी जगह सुना होता, राजस्थान के जो ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स हैं उनको भी झूमर कहा जाता है और मध्य प्रदेश में भी। तो झूमर काफ़ी कॉमन है ट्रेडिशनल जो है वो डांसेस के लिए। एक बात मैंने ना नोटिस करी है कि जो मेल फीमेल इक्वालिटी है ना वो ट्रेडिशनल जो ट्राइबल कल्चर है उसमें ज़्यादा मिलता है। ट्राइबल कल्चर में ये मैन वूमन के बीच का जो डिस्क्रिमिनेशन है ये ट्राइबल कल्चर में नहीं होता है, ठीक है। मैं वैसे मैं रहता पंजाब में हूँ, मेरी स्कूलिंग वगैरह बर्थ वगैरह सब पंजाब में हुआ है, पर मैं पीछे से झारखंड से हूँ और झारखंड भी ज़्यादातर एरिया जो है वो ट्राइबल एरिया है। तो वहाँ पर मैंने देखा है कि वहाँ के जो हमारे रिचुअल्स हैं उसमें फीमेल्स के भी उतने ही पार्टिसिपेशन होती है जितनी मेल्स की होती है। इवन इंडिया में मेल फीमेल डिस्क्रिमिनेशन का इशू था ही नहीं। महाभारत के टाइम में भी मतलब जो औरतें थी वो पढ़ी लिखी थी, ठीक है। आपको अगर आप ध्यान से महाभारत सीरियल को देखो तो या फिर रामायण सीरियल को देखो तो आपको मालूम पड़ेगा कि तब के टाइम में भी औरतें पढ़ी लिखी थी। ये जो डिस्क्रिमिनेशन वाला जो था ना कि मैन की जो मतलब वो होती है क्या कहते हैं उसे मतलब सोसाइटी में आदमी को ऊपर समझा जाता है, ये सब जो आइडियोलॉजीज हैं ये इन्वेडर्स लेके आए थे, जो फॉरेन से इंडिया में इन्वेट करने के लिए आए थे, ब्रिटिशर्स हो गए, मुस्लिम इन्वेजर्स हो गए, वो सब उसके बाद ये सब शुरू हुआ था। वरना इंडिया में तो वुमेंस को भी उतनी ही इक्वालिटी मतलब इक्वल राइट मिलते थे पहले भी, ठीक है। वुमेंस भी जो पढ़ी लिखी होती थी और पर अभी भी आप ये देख सकते हैं कि देखो कोई भी ट्राइबल कल्चर हज़ारों साल पुराना है, ठीक है। और ट्राइबल कल्चर में आपने अक्सर देखा हुआ है कि मैन वुमेन की इक्वल पार्टिसिपेशन होती है, हमारे वहाँ पर भी होती है। झारखंड ज़्यादातर ट्राइबल एरिया है तो ये बड़ी ही एक सोचने वाली बात है कि आज के टाइम पे जहाँ अभी भी पूरे वर्ल्ड में थोड़ा सा इशू रहता है मैन और वुमेन राइट्स को लेके, पर सदियों से ट्राइबल कल्चर में इक्वालिटी है मैन और वुमेन दोनों के बीच में। बाकी ये जो फेस्टिवल था ये क्यों मनाया जाता है इसके पीछे क्या मतलब क्या स्टोरी है, अगर किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी फेस्टिवल बड़ा ही अच्छा था, बड़ा हैपनिंग था, जो भी उस इसमें थे वो मतलब उनके चेहरों से लग रहा था कि सभी के सभी लोग जो है अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं फेस्टिवल को। बड़ा हैपनिंग सा था। हमारे वहाँ पर छठ पूजा होती है, छठ पूजा तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, बिहार में, वेस्ट बंगाल में और झारखंड, यूपी, इन एरिया में जो है छठ पूजा मनाई जाती है। और ऐसा माहौल ना छठ पूजा में हमारे वहाँ पर लगता है, एकदम पूरा गांव आया होता है, सब कुछ हो रहा होता है, मज़ा आता है। चलिए अच्छी वीडियो थी, ख़त्म करते हैं, अब मिलते हैं अगली वीडियो पे। बाय बाय।